इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और ना ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। आज का टॉपिक सुनने में थोड़ा नेगेटिव सा लग रहा है, क्योंकि बीच में मौत की, डेथ की बात करनी पड़ रही है, पर क्या करें, लीगल मामले कुछ ऐसे होते हैं कि जहां पर मृत्यु की बात भी जीते जी करनी पड़ जाती है। दोस्तों, कई बार मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके बेटे, भाई, बहन, उस मृत व्यक्ति की पत्नी सब आपस में कोर्ट में लड़ रहे हैं संपत्तियों की वजह से। कई बार मैं देखता हूं किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसने बैंक में अपने नॉमिनी नहीं बना रखे, या कहीं और जहां नॉमिनेशन या बेनिफिशियरी बनाना चाहिए था वहां नहीं बना रखे थे, और अब जो उसके परिवार के सदस्य हैं उनको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, वारिस प्रमाण पत्र बनवाना पड़ रहा है, सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल ईयर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, और बैंक वाले उसका पैसा नहीं दे रहे हैं और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और भी अनेकों तरह की ऐसी समस्याएं हैं कानूनी रूप से, जो कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अगर उस व्यक्ति ने अपने जीते जी कुछ सावधानियां रखी होती और कुछ प्रोएक्टिवली काम कर लिए होते तो उसके बाद उसके परिवार के सदस्यों को परेशान ना होना पड़ता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लीगल चेकलिस्ट बताने की कोशिश करूंगा, एक छोटी सी चेकलिस्ट बताने की कोशिश करूंगा कि ये 4-5-6 काम आप कर लेना अपने जीते जी, ताकि ईश्वर ना करे जब आप इस पृथ्वी पे ना रहें, इस दुनिया में ना रहें, तो आपके परिवार के सदस्यों में सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे, और उनमें आपसी मनमुटाव ना हो और उनको धक्के ना खाने पड़े सरकारी ऑफिसों के और अदालतों के। दोस्तों, मेरा पहला सुझाव तो ये है कि आप कोई एक ब्रीफकेस ले लें, या कोई एक बैग ले लें, या एक फोल्डर ले लें, और घर के सभी सदस्यों को पता हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसी ब्रीफकेस में रखते हैं, इसी फोल्डर में रखते हैं, इसी बैग में रखते हैं, और कभी भी आपको कुछ हो जाएगा तो उसी ब्रीफकेस को खोला जाएगा। तो अगर आप एक ऐसा कोई चीज़ रखेंगे अपने पास तो उससे आपकी चीज़ें एक स्थान पर रहेंगी, बिखरी हुई नहीं रहेंगी, और आप जो कुछ भी अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो भी उसमें रखने की कोशिश करिएगा। पहली चीज है दोस्तों वसीयत, जो बहुत ही जरूरी है, और आम तौर पे वसीयत बनाने का रिवाज नहीं है, पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, उससे पहले तो बिल्कुल ही नहीं था। अभी भी जो विल बनाने का, वसीयत बनाने का एक रिवाज है थोड़ा पढ़े लिखे तबके में, जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं उनमें तो अभी भी नहीं है, या जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है वो वसीयत बना के करेंगे भी क्या। लेकिन अगर आपके पास कुछ संपत्ति है तो मेरा पहला सुझाव है कि आप एक विल बनाइए, अपनी वसीयत बनाइए, जिसको जो देना है, लेना है, नहीं देना है, क्या क्या संपत्तियां हैं आपकी, सब उसमें जिक्र कर दीजिए। और मेरा ये भी सुझाव है कि वसीयत को हालांकि रजिस्टर्ड कराना कंपल्सरी नहीं है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल है तो आप अपनी विल को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड भी करवाइए, ताकि बाद में उस बिल को चुनौती देना उतना आसान ना हो, और जो आप चाहते हैं कि मेरी ये संपत्ति इसको इस अनुपात में चली जाए वैसी ही वो चली जाए। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति विल नहीं बनाता और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये समझ लीजिए उसके ऊपर सक्सेशन एक्ट लागू हो जाएगा। मान लीजिए आप हिंदू हैं तो आपके ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हो जाएगा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। फिर उसके अंतर्गत जितने भी उत्तराधिकारी आपके हैं, फिर आपकी संपत्तियां उन सब लोगों में बराबर बराबर बांटी जाएगी। संपत्ति का मतलब यह सिर्फ प्रॉपर्टी से नहीं है, कि मकान दुकान से नहीं है, आपका बैंक बैलेंस भी बराबर बांटा जाएगा, आपके पास कोई सोने चांदी की वस्तुएं थी वो भी बराबर बांटी जाएंगी, कैश है तो वो भी बराबर बांटा जाएगा। तो वो एक पेचीदा काम है और उसमें झगड़े होने की संभावना भी रहती है, इसलिए विल बनाइए और रजिस्टर्ड कीजिए उसको। नेक्स्ट काम आपको दोस्तों ये करना चाहिए कि आप ध्यान से देखें कि आपके कितने बैंक अकाउंट है, क्या फिक्स डिपॉजिट आपने कर रखी है, कोई आपका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है, या और किसी भी तरह के अकाउंट्स कहीं पे भी खुले हुए हैं आपके किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था के साथ।
तो सब जगह आप चेक कीजिए कि आपने नॉमिनेशन कर रखा है या नहीं। अगर कहीं पर भी आपने नॉमिनी नहीं बनाया हुआ है तो वहां पर आप नॉमिनी बनाइए, जिसे भी आप बनाना चाहते हो, जिसको भी बेनिफिशियरी बनाना चाहते हो बेनिफिशियरी बनाइए। अगर कहीं पर भी आप गलती से नॉमिनी बनाना भूल गए, बेनिफिशियरी बनाना भूल गए, तो आपके जाने के बाद इस संसार से वो संस्था आपके परिवार वालों को परेशान करेगी। वो तो क्या परेशान करेंगे बेचारे, वो तो नियम के हिसाब से ही चलेंगे। फिर वो चक्कर पड़ेगा, उसमें वारिस प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर भी लाना पड़ सकता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसमें आपके परिवार के सदस्यों का टाइम भी खर्च होगा, पैसा भी खर्च होगा, और उन्हें बहुत सारे धक्के खाने पड़ेंगे, बहुत मुसीबतें उठानी पड़ेंगी, तब जाके आपका पैसा उनको मिल पाएगा। तो ऐसी गलती कभी भी मत करिएगा कि आपने नॉमिनी का कॉलम खाली छोड़ दिया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी को नॉमिनी बना भी दिया है तो वो उस चीज का कानूनी मालिक नहीं हो जाता। अगर आपने नॉमिनी अपनी पत्नी को बनाया है और विल में वो चीज आपने अपने बेटे को दे रखी है, तो नॉमिनी तो सिर्फ एक ट्रस्टी होता है, वो एक सिर्फ आप आपके जगह वो उस पैसे को रिसीव करेगा, वो उसका मालिक नहीं बन जाता। रिसीव करके वो उस व्यक्ति को देगा जो उसका मालिक है। तो अगर आपने विल में लिख दिया कि फला बैंक अकाउंट में रखा पैसा मेरे बेटे का है और नॉमिनी आपने अपनी वाइफ को बना रखा है, तो वाइफ सिर्फ उस पैसे को रिसीव करेगी बैंक से, परंतु उस पे कानूनी हक आपके बेटे का होगा और आपकी वाइफ को वो पैसा आपके बेटे को देना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा तीन प्रकार की एसेट्स की, तीन प्रकार की संपत्तियों की, जिनका वर्गीकरण, जिनका कैटेगराइजेशन मैंने इस प्रकार किया है। पहली है फिजिकल एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स। फिजिकल या टेंजिबल एसेट्स का मतलब है मकान, दुकान, आम भाषा में जिसे आप समझते हैं, अचल संपत्तियां जिन्हें आप कह सकते हो एक किस्म से। और दूसरी है डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स का मतलब मेरा उन संपत्तियों से है, जैसे कि आपके मोबाइल में पेटीएम हो, गूगल पे यूज कर रहे हो आप, फोन पे यूज कर रहे हो आप, या आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो ये सब डिजिटल एसेट्स हैं एक किस्म की। और तीसरी है कन्वर्टिबल एसेट्स, जो अभी एसेट्स नहीं है परंतु आपके मरने के बाद वो एक किस्म से एसेट बन जाएगी, संपत्ति बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने जीवन बीमा करा रखा है, आपकी मृत्यु के बाद जो वहां से मैच्योरिटी मिलनी है या क्लेम मिलना है, तो आज की तारीख में वो संपत्ति नहीं है, लेकिन अगर डेथ हो गई तो फिर वो कन्वर्ट होकर एक किस्म की संपत्ति बन गई, वहां से जो पैसा आना है। तो अब उन तीन प्रकार की संपत्तियों की बात करूंगा। फिजिकल एसेट्स, जो आपकी अचल संपत्तियां हैं, मकान, दुकान इत्यादि, उसके बारे में मेरा सुझाव यह है कि आप अपनी सभी संपत्तियों के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट एक ही जगह पर उस ब्रीफकेस फोल्डर में रखें जो कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको रखना चाहिए अपने पास। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट एक लॉकर में रख रखे हैं, दूसरे किसी अलमारी में पड़े हैं, तीसरा फलाने वाले घर में पड़े हैं। ऐसा मत करिए। आप सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सेफली एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर एक साथ रखिए, और उनका एक एक्स्ट्रा सेट फोटोकॉपी भी कहीं और आपको रखना है। तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के अलावा, जो अगर आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट कर रखा है प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने का, वो भी आप उसके साथ रखिए। ऐसा ना हो कि बाद में पता ही ना चले कि आप जीते जी कोई प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कर गए थे खरीदने का या बेचने का, और उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी। दोस्तों, सेकंड जो है डिजिटल एसेट्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास कई तरह के क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, तो शायद आपके परिवार को भी नहीं पता होगा कि आपके पास कौन कौन से क्रेडिट कार्ड है और कौन कौन से चालू है। कई बार तो मैंने देखा है, खुद इंसान को ही नहीं पता होता मेरे पास कितने क्रेडिट कार्ड है, कहता है हाँ एक था तो पता नहीं वो चल रहा है कि बंद हो गया, देखना पड़ेगा, मतलब खुद ही नहीं पता, तो परिवार को तो कहाँ से पता होगा। तो कई बार मैंने देखा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो ये इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स या ATM के पिन नंबर्स होते हैं वो परिवार वालों को नहीं पता होते, और यूजली हम बताते भी नहीं है किसी को, जरूरत भी नहीं होती, उसका मिसयूज होने का खतरा भी रहता है। परंतु आपको देखना है कि आपको क्या व्यवस्था बनानी है और आपकी जिंदगी में कौन आपका ट्रस्टवर्दी इंसान है, जहां पर आप ये लिख सको या बता सको कि मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड है, ये इनके पासवर्ड है। अब ये रिस्क है इसमें, मतलब मैं आपको ये चेतावनी भी दे रहा हूं, पर आप समझ लीजिए इस बात को। परंतु कम से कम पासवर्ड आप ना भी बताएं,
आपके पास ये लिस्ट बना के तो आप रख सकते हो कि मेरे पास इन इन बैंकों के ये क्रेडिट कार्ड है जिनको मृत्यु के बाद बंद कर दिया जाए। थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं दोस्तों कुछ ऐसी संपत्तियां हमारी जो भविष्य में जिनकी मैच्योरिटी होनी है, आज कागजी रूप में है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी मैच्योरिटी है, मरने के बाद डेथ क्लेम है, एक्सीडेंटल क्लेम है, कई बार क्रेडिट कार्ड के साथ भी एक्सीडेंटल क्लेम पॉलिसी फ्री होती है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री होता है। तो अगर परिवार को क्रेडिट कार्ड की डिटेल पता होगी तो उसके साथ जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है अगर डेथ एक्सीडेंट से हुई है तो वो क्लेम लिया जा सकता है, पता ही नहीं होगा तो फिर कौन क्या क्लेम लेगा। तो इस प्रकार हो सकता है आपने कुछ शेयर्स खरीद रखे हो, कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीद रखे हो आपने, इस प्रकार की कोई और इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई बॉन्ड्स ले रखे हो आपने। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस तरह के जिनका भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है, भविष्य में जो संपत्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, पैसे में तब्दील हो जाएंगे, उनकी भी आपको एक सेपरेट लिस्ट बना के रखनी चाहिए। दोस्तों इस लीगल चेक लिस्ट में नेक्स्ट चीज़ है लायबिलिटी से संबंधित, कि आपके जिम्मेदारियां क्या हैं, क्या पैसा आपको देना है दूसरों का। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एसेट्स और संपत्तियों की लिस्ट ही परिवार को बताएं, ये भी आपका फर्ज बनता है कि आप एक सूची, एक लिस्ट ऐसी बना के भी उस ब्रीफ केस फोल्डर में रखें कि मैंने फला व्यक्ति से इतने रुपए इतनी तारीख को लिए थे, इतने मैं दे चुका हूं, इतने देने भी बचते हैं, या कोई और किसी भी प्रकार का लेन देन है, ताकि अगर आप ना रहें इस दुनिया में तो आप ऐसा कभी भी नहीं चाहोगे कि मरने के बाद चार लोग दरवाजे पे आके खड़े हों और आपके परिवार से पैसे मांग रहे हो और आपका परिवार कह रहा हो हमें नहीं पता कि मेरे बाप ने क्या पैसा लिया था। आप एक प्रतिष्ठा के साथ जिए हो, आप एक ईमानदार व्यक्ति हो, तो आप ऐसा कभी भी नहीं चाहोगे। तो उसको रेगुलरली अपडेट करना भी जरूरी है, ये अंतिम सुझाव है, क्योंकि यदि आपने एक बार उसे लिख दिया, बाद में वो प्रॉपर्टी बेच दी या कोई एग्रीमेंट कैंसिल हो गया या म्यूचुअल फंड मैच्योर हो गए, फिर भी वो वहीं पे रखे हुए हैं, आपने उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो वो जो फोल्डर है, वो जो ब्रीफ केस है जो आप परिवार वाले आपके खोल के देखे, वो अपडेटेड होना चाहिए। हर महीने हर दिन हम ये काम नहीं कर सकते, पर साल में एक बार तो कर सकते हैं, वो एक दिन आप अपने बर्थडे वाला दिन बना लीजिए। दोस्तों इसी चेकलिस्ट में नेक्स्ट आइटम है कि जो भी आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं या डिस्प्यूट चल रहा है किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संबंध में मॉनेटरी या अदरवाइज, उन डिस्प्यूट्स को आप सेटल करो और ख़त्म करो, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करो अपने जीते जी, क्योंकि आप एक झगड़ा विरासत के रूप में अपने परिवार को देना नहीं चाहोगे, और अगर आप नहीं रहे इस दुनिया में तो आप ही उस झगड़े को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपके परिवार वाले उसे कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि जो जो झगड़े समाप्त हो सकते हैं, जो जो कोर्ट केसेस ख़त्म हो सकते हैं, उनमें कैसे भी करके हल निकालिए और उनको ख़त्म करिए, ताकि एक पीसफुल शांतिपूर्ण भविष्य आप अपने परिवार को दे सकें। Thank you.